हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बजर वाला कंटिन्यूटी टेस्टर। तो दोस्तों, इस कंटिन्यूटी टेस्टर की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो कंटिन्यूटी टेस्टिंग है वो इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाना है आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी है और हमारे जो डिजिटल मीटर के जो प्रॉप्स होते हैं ये हैं, और साथ में एक वायर है और LEDs हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये है एक मेन चीज़ जिसको हम रिमोट कंट्रोलर बोलते हैं, जो कि हमारी डेकोरेशन LED सीरीज़ होती है, ये उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में आपको रिमोट टेस्टर बना के दिखाया जाए। और दोस्तों, साथ में आपको लेना है एक यहाँ पर बजर, जो कि आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा 20 से 30 रुपए में आसानी से। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये जो बजर है इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखा देता हूँ पहले कि किस टाइप से ये वर्क करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कनेक्शंस हैं पहले सिंपल वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक यहाँ पर बैटरी का कनेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पर पहले लगा देते हैं। पहले मैं आपको सिंपली इसके जो कनेक्शन है वो समझा देता हूँ, इसके बाद हम इस बॉक्स में इसको कैसे रेडी करेंगे वो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इसका ये जो कैप है ये हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो माइनस वाला जो वायर है, आपको सिंपली बजर के माइनस वाले वायर में इसको कनेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, आप यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप ये एक LED आप मेरे पास देख रहे हैं, जो कि 3 वोल्ट की LED है। तो आप चाहें तो कोई सी भी LED ले सकते हैं यहाँ पर, और ये LED आपको यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। इस LED में आपको कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हम लगाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब नहीं होगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस LED का जो माइनस वाला जो लेग है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो बड़ा वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस होता है और जो छोटा वाला जो पॉइंट होता है वो प्लस होता है। तो दोस्तों, इसका ये जो प्लस वाला जो LED का जो पॉइंट है, आपको इसके प्लस वाले वायर पर कनेक्ट कर देना है बैटरी के, और इस माइनस वाला जो पॉइंट है LED का, इसमें बजर का वायर आपको कनेक्ट कर देना है। आपको सिंपली कनेक्शन करने के बाद और यहाँ पर आपको इस टाइप से लगा के देख लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से वर्क करने लगेगी। और दोस्तों, हमारा ये जो LED का माइनस पॉइंट है और बजर का ये जो प्लस वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको दोनों प्रॉप्स यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर जोड़ देने हैं। तो चलिए पहले हम इस बॉक्स में इसको रेडी कर लेते हैं और फाइनली हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप से बनने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये जो रिमोट कंट्रोलर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हमने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर ये जो सर्किट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस सर्किट को आपको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इस सर्किट का हमें कोई यूज़ नहीं है। और साथ में इसकी ये जो यहाँ पर बटन आपको दिख रही है, इस बटन को भी आपको यहाँ से हटा देना है। अब दोस्तों, हमारे पास काफ़ी स्पेस है इस बॉक्स के अंदर, आप जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसमें हमारी ये जो 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है ये इजीली यहां पर फिट हो जाएगी। तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को यहां से हमें ब्रेक करना होगा, ताकि हमारी जो बैटरी है वो ईज़िली इसमें फ़िट हो सके। तो मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको तोड़ देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब लगा के देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी भी दोस्तों ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप के वजह से ये ठीक से इसकी जो फिटिंग है वो नहीं आ रही है। तो चलिए इस ग्रिप को भी हम यहाँ से हटा देते हैं पहले, कुछ इस टाइप से आपको तोड़ देनी है, ताकि हमारी जो बैटरी की फिटिंग है वो ईज़िली आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये जो ग्रिप था ये हमने यहाँ से कट कर दिया है काफ़ी अच्छे से। अब दोस्तों, हमारी ये जो बैटरी है ये इसमें काफ़ी अच्छे से इसकी जो फिटिंग है वो आ रही है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो होल हमने LED के लिए छोड़ा था, तो ये होल अब दोस्तों यहाँ पर LED नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये जो बैटरी है
ये यहाँ पर आ रही है। तो इसलिए हम इस एलईडी को हमने यहाँ पर दो होल कर दिए हैं। तो अब हम इस एलईडी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए पहले मैं इसकी ये जो एलईडी है इस एलईडी को ही यहाँ पर लगा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस एलईडी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके कनेक्शंस कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ये जो कैप है ये यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये हमने निकाल दिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों कि ये जो एलईडी है इसका ये जो प्लस वाला जो पॉइंट है इस पर हमें बैटरी का प्लस वाला जो वायर है ये कनेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, जैसा कि मैं यहाँ पर शोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये हमने दोस्तों बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है इसके पॉजिटिव लेग पर कनेक्ट कर दिया है। और अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें जो प्रॉप्स के जो कनेक्शंस हैं वो भी हमें यहाँ पर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये वाला जो वायर है यहाँ पर ये वाला वायर ले रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसका ये जो माइनस वाला जो वायर है यहाँ पर एलईडी के माइनस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वायर मैंने यहाँ पर माइनस वाले लेग पर कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों बचा हमारे ये जो प्लस वाला जो वायर है ये हमें बजर के साथ में दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इसको। ये जो बैटरी है इस बैटरी को हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कैप है वो मैं लगा देता हूँ दोस्तों। ताकि हमें पता चल सके कि अब इसमें जो जगह है वो हमें कितनी मिल पा रही है। तो ये आप देख सकते हैं बैटरी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है। और अब हमें दोस्तों ये जो बजर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप की सर्किट इसके अंदर दी हुई है। तो हम इसकी ये जो सर्किट है सर्किट को ओपन कर लेते हैं हम पहले बजर की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बजर की सर्किट हमने ओपन कर ली है। और इसका ये जो मेन स्पीकर है ये वाला, तो ये भी दोस्तों हमें यहाँ से निकालना होगा। दोस्तों ये काफ़ी यहाँ से टाइट चिपका हुआ है तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके निकाल लेता हूँ आराम से, ताकि हमारा जो बजर है वो ख़राब ना हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बजर है मैंने इसको ओपन कर लिया है काफ़ी अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो बजर है इसके कनेक्शन हमको ठीक से कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा वायर लगा हुआ है, तो मैं इस मोटे वायर को यहाँ से डिसोल्ड कर लेता हूँ पहले, ताकि हमारी ये जो सर्किट है हम इसके अंदर दोस्तों फिक्स कर सकें। इसलिए हमें ये जो वायर हैं ये यहाँ से डिसोल्ड करने होंगे। काफ़ी मोटे वायर इसमें लगे हुए हैं, तो मैं ये वाला जो माइनस का वायर है ये मैं डायरेक्ट इसमें इसकी ये जो सर्किट है इस सर्किट पर ही डायरेक्ट लगा देता हूँ, ताकि दोस्तों वायर ज़्यादा ना हो और हमारी जो फिटिंग है बजर की वो ठीक से आ सके। तो ये मैंने लगा दिया है। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि इसका ये जो प्लस वाला जो वायर है और हमारा ये जो प्रॉप्स का जो प्लस वाला वायर है, तो इसकी जगह पर हम यही वायर लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसकी जगह दोस्तों हमें कोई छोटा वायर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पतला वायर यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और ये वाला जो वायर है अब ये वाला दोस्तों ये मैं यहाँ पर इसको शोल्डरिंग कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर शोल्डरिंग कर ली है वायर की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक बार इसकी जो कंटिन्यूटी है वो चेक करके हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले इसकी जो फिटिंग है वो मैं पहले यहाँ से ठीक से कर देता हूँ, और इसके बाद हम इसकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो
आराम से हम कर लेंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो टेप है वो भी हमको लगा देना है ताकि जो सेफ्टी है वो बनी रहे। इस वायर में हम टेप लगा देते हैं और इस वायर की जो फिटिंग है वो हम यहाँ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग है बज़र की वो हमने काफ़ी अच्छे से कर दी है और इसकी जो सर्किट है दोस्तों वो भी मैंने यहीं पर फिट कर दी है और इसकी जो वायरिंग्स हैं वो भी हमने सब यहीं पर फिटिंग कर दी हैं। और ये जो बज़र है दोस्तों ये आपको ऐसे ही रख देना है सिंपली, इसको हमें चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डब्बी है इसमें काफ़ी कम स्पेस है इसलिए हम इसको नहीं चिपका सकते। और यहाँ पर इसके जो स्क्रूप्स हैं वो मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो वायर है सिंपली इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं खींच के और अब इसके जो प्रॉप्स हैं वो प्रॉप्स हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसको मैं इसके वायर में यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ इस टाइप से। और सिंपली दोस्तों अब हमको जो शोल्डरिंग है वो शोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो वायर्स हैं वो हम यहाँ पर शोल्डरिंग कर देते हैं माइनस वाले प्रॉप्स के वायर। तो ये मैंने शोल्डरिंग कर दिए हैं। चलिए अब इसका जो कैप है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रॉप्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही दोस्तों हमारे पास ये जो रेड वाला प्रॉप्स है इस रेड वाले प्रॉप्स को भी ओपन कर लेते हैं हम कुछ इस टाइप से। तो पहले इसे हमें डालना होगा इसके अंदर। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं हम। तो दोस्तों ये भी शोल्डरिंग हो गया है आप देख सकते हैं। अब इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है वो एकदम रेडी हो चुका है टेस्टिंग के लिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्पीकर 4 वॉट का स्पीकर है तो इसकी पहले टेस्टिंग करके देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो आवाज़ है स्पीकर में वो भी आ रही है। तो इस टाइप से हम इस स्पीकर को भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर के थ्रू। और ऐसे ही दोस्तों हम यदि हमें पता करना है कि ये जो सप्लाई है इसका जो फ्यूज़ है वो ठीक है या नहीं तो इसको भी हम कंटिन्यूटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऐसे ही दोस्तों किसी भी वायर वगैरह को आपको चेक करना हो यहाँ पर RCA केबल है जिसको हम ऑडियो वीडियो केबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस टाइप से आपको चेक करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप से ये जो कंपोनेंट हैं आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंटिन्यूटी इजीली इस कंटिन्यूटी टेस्टर से यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आप किस टाइप से कम पैसों में एक अच्छा कंटिन्यूटी टेस्टर बना सकते हैं वो भी इस बॉक्स में जो कि हमारा LED सर्किट का रिमोट कंट्रोल है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।